मोदी सरकार ने की अशोक स्तंभ से छेड़छाड़। शांति प्रिय शेरों को आदमखोर क्यों दिखाया। 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर जिस अशोक स्तंभ की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, उसी अशोक स्तंभ के साथ बड़ी छिड़खानी की गई है। जी हां, संसद की नई इमारत में 6.5 मीटर ऊंची और 9,500 किलो वजनी अशोक स्तंभ की मूल कृति का स्वरूप ही बदल दिया गया। मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि उसने अशोक स्तंभ के शेरों को आदमखोर जैसा दिखाया है, जबकि पुराने अशोक स्तंभ पर मौजूद शेरों के मुंह पर सौम्यता का भाव है। सोशल मीडिया पर दोनों शेरों की तस्वीरें साझा कर ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने बौद्ध विरासत के प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ ब्राह्मणवादी खेल खेला है। अशोक स्तंभ की पुरानी तस्वीरों को देखने पर आप खुद समझ सकते हैं कि पुराने वाले शेर शांत मुद्रा में नजर आते हैं। अशोक स्तंभ बौद्ध धर्म के अनुयायी सम्राट अशोक की निशानी है, जिन्होंने युद्ध छोड़कर बुद्ध का रास्ता अपनाया था। यानी अशोक स्तंभ शांति और समानता का प्रतीक है, लेकिन संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक नजर आ रहे हैं। शेरों की इस आक्रामकता को बीजेपी और आरएसएस की आक्रामक नीतियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने इस पर सवाल उठाया है। आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा, मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव तथा अमृतकाल में बनी मूल कृति की नकल के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। हर प्रतीक इंसान की आंतरिक सोच को प्रदर्शित करता है। इंसान प्रतीकों से आमजन को दर्शाता है कि उसकी फितरत क्या है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप सिंह मंडल ने भी अशोक स्तंभ में बनी शेरों की आकृति पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अशोक स्तंभ का मूल स्वरूप सारनाथ संग्रहालय में रखा है। वही छवि डाक टिकटों से लेकर सरकारी दस्तावेजों में है। उनमें शेर की शांत मुद्रा है। आज प्रधानमंत्री ने जिस अशोक स्तंभ की ब्राह्मण रीति से नए संसद भवन में स्थापना की, उसमें शेर बहुत नाराज और उग्र है। क्या आपने गौर किया? लोग शांति प्रिय अशोक स्तंभ को आक्रामक दिखाए जाने को राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर लिखा, सदियों से धीर गंभीर गरिमापूर्ण उपस्थिति से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे सम्राट अशोक के शेरों को भी उग्र कर दिया गया। इस देश में कुछ भी हो रहा है और सब लोग चुप हैं। ये राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। शेरों की आकृति को आक्रामक दिखाने के अलावा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को ब्राह्मण रीति से स्थापित कराने पर भी नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है। देश के नए संसद भवन में अशोक स्तंभ यानी बौद्ध विरासत के सबसे बड़े प्रतीक को स्थापित किया गया, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक को स्थापित कराने में ब्राह्मणों से पूजा कराने को लेकर मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ समता और न्याय के लिए संघर्ष करने वाले सम्राट अशोक की विरासत के प्रतीक का ब्राह्मणों के हाथों अनुष्ठान कराने की निंदा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कैसे बौद्धों की महान विरासत और प्रतीकों को ब्राह्मणवादी तरीके से हड़पा जा रहा है। इस बारे में द न्यूज वीक संपादक सुमित चौहान ने ट्विटर पर लिखा, महान बौद्ध विरासत का निशान अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नरेंद्र मोदी जी, आपने इसकी स्थापना ब्राह्मण रीति से कराई, क्या इससे बौद्धों की भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या बौद्धों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं? ये विरासत को ब्राह्मणवादी तरीके से हड़पने की साजिश है। आरएसएस खुले तौर पर सम्राट अशोक का विरोध करती है और उन्हें महान सम्राट मानने से भी इनकार करती है। ऐसे में अशोक स्तंभ को ब्राह्मण रीति से स्थापित करने और शांति प्रिय शेरों को आक्रामक दिखाने पर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मूल निवासियों की विरासत को हड़पने का षड्यंत्र हो रहा है। अशोक स्तंभ भारत के उस महान इतिहास का प्रतीक है जिसे बौद्ध विरासत के महान राजा सम्राट अशोक ने स्थापित किया था। अशोक ने बौद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 84,000 स्तूप बनाए थे, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उन्हें तोड़कर बौद्ध धर्म को मिटाने की साजिश की। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने जिस ब्राह्मणवादी षड्यंत्र की ओर इशारा किया था, वो आज भी बदस्तूर जारी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।